हाय दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। देखने में ही इतनी टेम्पटिंग लग रही है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी है सोया कीमा मटर की। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। इसका तरीका मैं आपको बताऊँगी, उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, सोया कीमा मटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रिला के सोया ग्रेन्यूल्स लिए हैं। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे 1 कप सोया ग्रेन्यूल लिया है और 2 कप पानी मैं यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सोया ग्रेन्यूल या सोया का कीमा। साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि जो ये सोया ग्रेन्यूल्स हैं ये नमक को एब्जॉर्ब कर लें। बस इनको हमें एक बॉईल आने तक इस तरह से उबालना है। ये बॉईल हो चुके हैं, नमक भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर अलग रख देंगे। फ्रेंड्स, जब तक सोया कीमा ठंडा होता है तब तक हम कढ़ाई में ऑयल ले रहे हैं, क्योंकि हमें सोया कीमा को डीप फ्राई करना है। तो डीप फ्राई के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम वेजिटेबल ऑयल ले रहे हैं। ये देखिए, सोया कीमा ठंडा हो चुका था, मैंने इसको बहुत अच्छे से निचोड़ दिया है, सारा पानी इसका निकल गया है, बहुत ही भुरभुरा सा हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हो गया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसे आधी आधी मात्रा में फ्राई करूँगी। आप चाहें तो पूरा भी एक साथ फ्राई कर सकते हैं। गैस को हमें मीडियम रखना है, सिम भी नहीं करना है और हाई फ्लेम भी नहीं करना है। हमें इसको मीडियम गैस पर अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्राई करने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, साथ ही इसमें एक जो कच्चापन आता है खाने में वो खत्म हो जाता है। ये फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत चेंज हो गया है, साथ ही ये कुरकुरे भी हो जाते हैं फ्राई करने के बाद। सारा सोया ग्रेन्यूल मैंने फ्राई कर लिया है, इसमें जो भी बचा कुचा ऑयल होता है वो हमें रिमूव कर देना है। अब हम सब्जी छौंकने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने 2 तेज पत्ता लिया है, 1 बड़ी इलायची है जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं, और इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च है, 8-10 दाने, साथ ही 2 छोटी इलायची है, 1/2 छोटा चम्मच शाही जीरा लिया है हमने, साथ ही 2 टुकड़े दालचीनी के हैं। तड़का तैयार हो चुका है, अब हम इसमें 2 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट डाल रहे हैं। इसको डालने के बाद हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल मैंने जो भी बचा हुआ था जब हमने सोया ग्रेन्यूल्स को हमने फ्राई किया था उसका ही यूज किया है, तो 2 बड़े चम्मच ऑयल है ये। साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच अदरक और 2 छोटे चम्मच लहसुन का पेस्ट। इन सबको डालने के बाद, जब तक कि मसाले में से ऑयल अलग नहीं हो जाता है, हमें इस तरह से फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 बड़े टमाटर की प्यूरी, साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्च को भी साथ में पीस लिया था। इन सबको डालने के बाद हम दोबारा से एक बार फ्राई करेंगे, जब तक कि मसाले में से ऑयल अलग नहीं हो जाता है। ये देखिए, फ्राई हो चुका है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी चेंज हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मसाले, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का पाउडर भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है, साथ में 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। साथ ही 2 छोटा चम्मच फुल हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या डेगी मिर्च ऐड कर रहे हैं, जो कि सिर्फ फ्लेवर के लिए है और कलर के लिए। अब इन सब चीजों को हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें इनको ज्यादा नहीं फ्राई करना है, बस थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हमें सॉटे करना है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मटर, आप चाहे तो सफल मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ 1/2 किलो मटर सब्जी में डाल रही हूँ। मटर डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने सोया ग्रेन्यूल्स का चूरा फ्राई किया था, वो सारी सब्जी और मसाले को हम मिक्स कर रहे हैं।
और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं, नमक स्वाद के अनुसार रहेगा। नमक डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी डालते समय हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमने इसमें सोया डाली है तो सोया ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हमने इसमें मटर डाली है तो मटर को गलने के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। अब हम इसको मीडियम गैस पे पकने देते हैं जब तक कि मटर गल नहीं जाती, क्योंकि बाकी चीज़ों को फ्राई हम अच्छे से कर चुके हैं। सोया ग्रेन्यूल भी हमने फ्राई कर लिया है, मसाला भी अच्छे से हमने फ्राई किया था, तो बाकी हमें ज़रूरत नहीं है पकाने की, बस हमें मटर को गलने तक इसे पकाना होगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, देखने में ही बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। एंड मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दें। सब्जी अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखने में ही मुंह में पानी आ जा रहा है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ये वीडियो फ्रेंड्स। अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर किया करें, मुझे इसका इंतज़ार रहता है। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।